कैसा है इसका पेड़ आप बताएं, क्या तकलीफ है इसको? इसको ये 6.5 महीने का पैदा हुआ था जी, तो जब से ये दोनों पैरों से चल नहीं पाता जी, तो ये एडी उठा के चलता है, एडी उठा के चलता है, मतलब सिर्फ पंजों के बल चलता है। हाँ जी। क्या नाम है भैया का इसका? इसका लवी कुमार है। कहाँ से हैं आप लोग? हम गाजियाबाद और मेरठ के बीच में मोदी नगर में से। कैसे पता लगा नारायण सेवा के बारे में? हमने फोन पे टीवी में देखा है और बहुत लोगों ने हमें बताया है, यहाँ की जो सेवा है बहुत अच्छी है। जब लवी का जन्म हुआ, हाँ जी, जब जन्म से ऐसे ही है, हाँ जी, एक माँ के दिल पे क्या बीती? माँ को दुख हुआ कि मेरा बेटा ऐसा है? बहुत दुख पहुँचाया हमारे मन को। और यहाँ के जो हमने नारायण सेवा संस्था के बारे में पता लगा है तो यहाँ की जो सेवा है बहुत ही अच्छी है। खुश हैं आप? हाँ। भोजन आराम से मिल रहा है? हाँ आपको है। क्या कोई खर्चा हुआ किसी प्रकार का आपके यहाँ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस सेवाए किराया भाड़ा हमारा जो आया आपका लगा वो हमारा लगा है, बाकी खाना पीना फ्री सब कुछ, बेड बिस्तरे सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आप खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी हमारी सेवा का फल है। मैं खुश हूँ। लवी मेरे पापा ऐसे करो करो ना इसे। कैसे हो आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कहाँ से सर आप? हरियाणा अंबाला से। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए। हरियाणा अंबाला से। कैसे आपके हाथ का हाथ दोनों कट गए थे? मशीन में एक आया था उसको निकालने लगा जी, वो दूसरा भी। अच्छा, मशीन में आ गया था। कितना समय हो गया? 9 साल हो गए, 2013। अच्छा, इन 9 सालों में कहीं आपने कोशिश नहीं करी हाथ लगवाने की? पता नहीं लगा जी। पता नहीं लगा, अभी पता लगा? पता लगा। चलिए, अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है ना? दोनों हाथ लेके जाओगे आप? यही है साहब सेवा का कुंभ। इंसान जब बिना हाथों के यहाँ आता है और यहाँ से हाथ लेके जाता है तो वो हाथ नहीं होते, वो नारायण के, ईश्वर के हाथ होते हैं, इंसानियत के हाथ होते हैं। मैं आज मुकेश जी के चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए, उन्हें मंजिल तक पहुँचाइए। उनके पास किराया नहीं हो तो किराया दीजिए, उन्हें अपनी उस स्थान तक पहुँचाइए कि जिनके हाथ मिल सके। दान सिर्फ धन का नहीं होता साहब, दान तन का मन का होता है, साथ और सहयोग का होता है। कोई पीड़ित दिख जाए तो उसके कंधे पर हाथ रख के कहिएगा मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बस यही नारायण सेवा है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक जरूरी जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी उन जरूरतमंद लोगों के लिए है जो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो गरीब हैं, दिव्यांग हैं, असहाय हैं। ऐसे लोगों को मैं एक संस्थान की जानकारी दूंगा जो निशुल्क लोगों का इलाज करता है। इस संस्थान के द्वारा OPD सेवाएँ और ऑपरेशन से लेकर रहने खाने की सभी सुविधाएँ निशुल्क दी जाती हैं। जिनके हाथ पैर नहीं हैं उनको कृत्रिम अंग दिया जाता है, वो भी निशुल्क। तो आइए इस संस्थान के बारे में जानते हैं। इस संस्थान का नाम है नारायण सेवा संस्थान। नारायण सेवा संस्थान अपनी सभी सेवाओं को लेकर इस समय हरिद्वार कुंभ मेले में आया है, जहां पर लोगों को निःशुल्क इलाज शुरू हो चुका है। और मैं आपको इस संस्थान से जुड़ी हुई सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम आगे शेयर तो ज़रूर करें, ताकि जिनको इस इलाज की ज़रूरत है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन हो सके, जिनके हाथ पैर नहीं हैं उनको निःशुल्क कृत्रिम अंग मिल सके। एक बार फिर से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आगे शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्थान में पहुंचे और अपना इलाज करा सकें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को पिछले कई दिनों से हरिद्वार कुंभ मेले में आए हुए साधु महात्मा नागा सन्यासी के दर्शन कराए हैं, लेकिन आज जिस संस्थान की जानकारी लेके आया हूं ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इस संस्थान के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय हैं। और अब हरिद्वार कुंभ इस संस्थान के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए भी जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये है नारायण सेवा संस्थान। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो इसके अंदर चलेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में कि ये सेवा संस्थान जो है कितने वर्षों पुराना है और इसका मेन ध्येय क्या है। सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और ये जो कैंप लगा है, ये हरिद्वार कुंभ मेले में बैरागी कैंप है, वहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और इसके अंदर जो मिलने वाली सेवाएं हैं उसको जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम नारायण सेवा संस्थान के अंदर आ चुके हैं।
और यहाँ पर मेरे साथ एक सर हैं जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको सर्विस देते हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो परेशानी है उसको दूर करते हैं। तो इनसे बात करेंगे और यहाँ पर जो भी सर्विस गरीब बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए मिलती है उसको भी जानेंगे। ये देख सकते हैं एक हॉस्पिटल है। तो सर आपका क्या नाम है, एक बार आप अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि जो दर्शक हैं उनको आपके बारे में पता चल सके। मुकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और YouTube के माध्यम से आपके सारे फॉलोवर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम महीम जैन है, मैं नारायण सेवा संस्थान में कार्यक्रम संयोजक हूँ, यहाँ जनसंपर्क विभाग भी देख रहा हूँ, प्रवक्ता हूँ संस्थान में, और पेशे से लेखक हूँ और मन संचालक हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने संस्थान को चुना ताकि जन जन तक संस्थान के कार्य और सेवा की गतिविधियाँ पहुँच सके। सभी YouTube सब्सक्राइबर्स को, आपके फॉलोवर्स को, सारे दर्शकगणों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से अभिवादन करता हूँ। संस्थान के संस्थापक चेयरमैन निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री कैलाश जी मानव, संस्थापिका गुरुमा श्रीमती कमला देवी जी, संस्थान अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया, संस्थान निदेशिका श्रीमती वंदना जी, सुश्री पलक जी, आदरणीय देवेंद्र जी चौबीसा और सबकी ओर से अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों की, पीड़ितों की, वंचितों की, अपाहिजों की, बेबसों की, लाचारों की, निर्धनों की, गरीबों की और अक्षम जनों की सेवार्थ के लिए विगत 35 वर्षों से हिंदुस्तान में कार्यरत है। नारायण सेवा संस्थान 35 वर्ष पूर्व पूज्य श्री कैलाश जी मानव ने पिंडवाड़ा की पीड़ा की एक घटना से शुरुआत करी थी, जिसके माध्यम से दिव्यांगों की सेवा का उन्होंने लक्ष्य बनाया। घर घर जाकर एक एक मुट्ठी आटा इकट्ठा किया और लोगों से सेवा के लिए, मदद के लिए प्रार्थना करी कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए हमें नर में नारायण को देखना होगा, मनुष्य में माधव को देखना होगा और बच्चों में ब्रह्मा को देखना होगा। धर्म और कर्म का संगम है नारायण सेवा संस्थान। आज नारायण सेवा संस्थान 4,27,000 से अधिक दिव्यांगों का निःशुल्क ऑपरेशन कर चुकी है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि नारायण सेवा संस्थान के उदयपुर में, जहाँ इसका राजस्थान में हेडक्वार्टर है, 1100 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पर प्रत्येक दिन अनेकों बच्चों की, दिव्यांगों की सर्जरी होती है, जो कि भारत और भारत के बाहर, फिर चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या कैनेडा हो, अफगानिस्तान हो, कई स्थानों से लोग आते हैं और संस्थान में निःशुल्क सेवाएँ पाते हैं। उनका ऑपरेशन, उन्हें भोजन की सुविधा देना, उन्हें व्हील चेयर, कैलीपर, ट्राईसाइकिल देना, कृत्रिम अंग प्रदान करना, उन्हें रोजगार से जोड़ना और उनका विवाह करवाना, अनाथ, प्रज्ञाचक्षु, मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना या गरीब लोगों तक राशन पहुंचाना या इमरजेंसी हालात में देश की आपदा के काल में मिलिट्री की तरह आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालते हुए देश की मदद करना। नारायण सेवा संस्थान के ऐसे अनेकों कार्य हैं, फिर चाहे गर्मी में हैंडपंप लगवाना हो, चाहे दिव्यांगों को भोजन कराना हो, चाहे दवाइयाँ दिलाना हो। आइए, आप सभी का नारायण सेवा संस्थान की इस यात्रा में मैं अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय श्री मुकेश जी का, जिन्होंने यूट्यूब का, सोशल मीडिया का सदुपयोग किया समाज के उत्थान के लिए, समाज की मदद के लिए, और उत्तराखंड की देवभूमि में किस तरह से लोगों को राहत मिले, सुकून मिले, मार्गदर्शन मिले, समस्याओं का समाधान मिले, मुकेश जी का और उनकी टीम का अभिनंदन करते हैं। आइए, नारायण सेवा संस्थान की एक यात्रा में आप लोगों के साथ शुरुआत करता हूँ। नारायण सेवा संस्थान में बाई बर्थ डिसेबिलिटी के जो पेशेंट होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, जिनके हाथ पैरों में सीजर लगी हो, हाथ पैर आड़े हों, तिरछे हों, टेढ़े हों और पैर उठा के चलते हों, ऐसे लोगों का ऑपरेशन होता है और कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय ऐसे लोग जो किसी प्रकार की दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना में हाथ पैर खो देते हैं, उनके अंग बनाए जाते हैं, उनका यहाँ पे नाप लिया जाता है। कुंभ में भी संस्थान ये सेवा लेके आई है। महाकुंभ की हार्दिक बधाइयों के साथ बताना चाहेंगे कि महाकुंभ में प्लॉट नंबर 240 बैरागी कैंप नारायण सेवा संस्थान यहाँ पे कृत्रिम अंग भी बना रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के कृत्रिम अंग यहाँ पे निःशुल्क लगाए जाते हैं। ये बहुत लाइट वेट होता है, इसको पहनने के बाद जिस व्यक्ति के पैरों में जान नहीं हो या पैरों में बिल्कुल मुड़े हों, तिरछे हों, टेढ़े हों, उनको आसानी से चलने में मदद मिलती है। इस तरह के हाथ यहाँ बनाए जाते हैं जो कि बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं। इसमें इंसान अपने दिनचर्या के डे टू डे के सारे काम कर सकता है। ये कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं जो कि घुटने के आसपास बैंड हो सकता है। जब आदमी का वस्त्र नीचे तक आएगा तो पता भी नहीं चलता है कि असली पैर है, नकली पैर है। इंसान की जब जिंदगी रुक जाती है तो वहां से फिर हाथ थामती है नारायण सेवा संस्थान। सिलिकॉन मटेरियल के विभिन्न प्रकार के बॉडी के पार्ट्स से जब इंसान की ये खो देता है तो कोई भी इंसान करोड़ों लाखों रुपए में किसी को अपना अंग नहीं दे सकता। ऐसे में नारायण सेवा संस्थान का संग मिलता है तो उन्हें अपने अंग भी मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के
वो बॉस्टन ब्रेस है, ये स्वेश है, ये चेक ब्रेस है, कोई कमर के लिए है, कोई हाथ के लिए है, कोई पैरों के लिए है। इसकी वर्कशॉप भी हमने यहाँ पे लगाई एक छोटी सी। यहाँ पे ही उनका नाप लिया जाता है और यहीं पे बनाया जाता है। यहाँ डॉक्टर नेहा जी बैठी हैं इस समय और नेहा जी एक व्यक्ति का पैर का नाप ले रही हैं जिसका व्यक्ति का पैर नहीं है। भैया आपका पैर कैसे कटा था? ये एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट गांव में हुआ। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं चंडीघाट। हाँ जी, चंडीघाट। चंडीघाट में रहते हैं। कब की बात है एक्सीडेंट आपका हुआ था? ये हम छोटे थे, कम से कम 9 साल की उम्र में। चलिए अब आपको हम बधाइयां देते हैं, आपका जल्दी पैर लग जाएगा। कैसे पता लगा नारायण सेवा संस्थान के बारे में? ये सर हमें किसी ने बताया, पर्ची मिला था। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी सेवा होती है, वाणी की विचार की सेवा। नारायण सेवा संस्थान को टेलीविजन के माध्यम से आस्था संस्कार, आस्था भजन कई चैनलों पर प्रत्येक दिन पूज्य श्री कैलाश जी मानव आदरणीय प्रशांत भैया के प्रेरक वाणी, सेवा की वाणी लोग सुनते हैं। संस्थान का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ ऋषिकेश में, तो ऐसे ही भैया यहाँ तक पहुँचे। और यही काम मुकेश जी भाई साहब भी कर रहे हैं कि जन जन तक नारायण सेवा संस्थान पहुँच सके। यहाँ ये मशीनरीज लगी हैं, ये हॉट एयर ओवन है जिसपे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है सांचा बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको प्रयोग किया जाता है अलग अलग व्यक्ति के पैरों में हाथों में फिट करने के लिए। व्यक्ति की जिंदगानी बनाने के लिए, किसी को फिर से पैरों पे चलाने के लिए महाकुंभ में आई है नारायण सेवा संस्थान, सेवा की ये गंगा बहाने के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन अंगों का प्रयोग करने के बाद इंसान अपनी आम जिंदगी जीता है। और तकरीबन 30 बेड का हमने यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण किया है सेवा महाकुंभ में, नारायण सेवा संस्थान के खालसा में, जहाँ पे दूर दराज से लोग आए हुए हैं और उम्मीद और विश्वास लेकर आए हैं कि यहाँ आएंगे हम ठीक हो जाएंगे। कोई अपने छोटे बच्चे को लाया है, कोई अपने भाई को, कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा यहाँ इस समय लेटा हुआ है, पैरों में प्लास्टर है। बच्चे हैं, इनको सुखी जीवन जीने का हक है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट आपके दान और सहयोग से आती है। और ये बच्चे का प्लास्टर यहाँ पर पैरों में है, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद और दुआओं से बच्चा ठीक हो जाएगा, बेहतर। इस बच्चे का ऑपरेशन कब हुआ है? इनके साथ कौन है? कल हुआ है। कल ही हुआ है? कहाँ से आया बच्चा? ये सर बिहार से है। बिहार से? पटना से। जी, पटना बिहार से है ये बच्चा। और आपने सर किसी का ऑपरेशन हुआ है? कल है उसका ऑपरेशन, कल को है। कैसा है इसका पैर आप बताएं, क्या तकलीफ है इसको? इसको ये 6.5 महीने का पैदा हुआ था जी, तो जब से ये दोनों पैरों से चल नहीं पाता जी, तो ये एडी उठा के चलता है। एडी उठा के चलता है, हाँ, मतलब सिर्फ पंजों के बल चलता है। हाँ जी। क्या नाम है भैया का इसका? इसका लवी कुमार। कहाँ से हैं आप लोग? हम गाजियाबाद और मेरठ के बीच में मोदी नगर में से। कैसे पता लगा नारायण सेवा के बारे में? हमने फोन पे टीवी में देखा है और बहुत लोगों ने बताया है, यहाँ की जो सेवा है बहुत। जब लवी का जन्म हुआ, हाँ जी, जब जन्म से ऐसे ही है, हाँ जी, एक माँ के दिल पे क्या बीती? माँ को दुख हुआ कि मेरा बेटा ऐसा है? बहुत दुख पहुँचाया हमारे मन को। और यहाँ के जो हमने नारायण सेवा संस्था के बारे में पता लगा है, तो यहाँ की जो सेवा है बहुत ही अच्छी है। खुश हैं आप? हाँ, भोजन आराम से मिल रहा है? हाँ, आपको क्या कोई खर्चा हुआ किसी प्रकार का आपका यहाँ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस सिवाय किराया भाड़ा हमारा जो आया है आपका लगा, वो हमारा लगा है, बाकी खाना पीना फ्री सब कुछ, बेड बिस्तरे सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आप खुश है ना? मैं बहुत बस खुश, आपकी खुशी हमारी सेवा का फल है। मैं खुश हूँ। लवी, मेरे पापा ऐसे करो करो ना यहाँ से। कैसे हो आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कहाँ से सर आप? हरियाणा अम्बाला से। बस थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए। हरियाणा अम्बाला से। कैसे आपके हाथ का हाथ दोनों कट गए थे? मशीन में एक आया था, उसको निकालने लगा जी, वो दूसरा दिया। अच्छा, मशीन में आ गया था। कितना समय हो गया? 9 साल हो गए, 2013। अच्छा, इन 9 सालों में कहीं आपने कोशिश नहीं करी हाथ लगवाने की? पता नहीं लगा जी। पता नहीं लगा, अभी पता लगा? पता लगा। चलिए, अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है ना? दोनों हाथ लेके जाओगे आप? यही है साहब सेवा का कुंभ। इंसान जब बिना हाथों के यहाँ आता है और यहाँ से हाथ लेके जाता है, तो वो हाथ नहीं होते, वो नारायण के, ईश्वर के हाथ होते हैं, इंसानियत के हाथ होते हैं। मैं आज मुकेश जी के चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए, उन्हें मंजिल तक पहुँचाइए। उनके पास किराया नहीं हो तो किराया दीजिए, उन्हें अपनी उस स्थान तक पहुँचाइए कि जिनके हाथ मिल सके। दान सिर्फ धन का नहीं होता साहब, दान तन का मन का होता है, साथ और सहयोग का होता है। कोई पीड़ित दिख जाए तो उसके कंधे पर हाथ रख के कहिएगा मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बस यही नारायण सेवा है। आइए।
नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों की सेवा करती है। इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान में एक नारायण चिल्ड्रन एकेडमी ऑपरेट किया जाता है, महावीर बाल गृह संचालित किया जाता है, जहां पर निर्धनों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क एजुकेशन मिलता है। संस्थान के ऐसे स्कूलों में, ऐसे शिक्षा के मंदिरों में प्रज्ञाचक्षु बच्चे, जन्मांध जो बच्चे हैं, जो बच्चे डीफ एंड डम है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए प्रशांत भैया ने गुरुदेव मानव साहब के सानिध्य में स्कूल स्टार्ट किए। इन बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स रखे गए हैं। ये बच्चे जिम करते हैं, योगा करते हैं, ये बच्चे डांस करते हैं, अपनी मधुर वाणी में ब्लाइंड बच्चे गीत सुनाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो चेस भी खेल सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं दुनिया में, लेकिन नारायण सेवा संस्थान है, आप हैं, आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है, आपका सहयोग है। अपने लिए तो जीते हैं सभी जहान में, यही लिखा है गीता में, लिखा है कुरान में, पुराण में, लेकिन औरों के दर्द बांटना सुकून देता है। बस इंसानियत को रखिए साहब दिल के मकान में। प्रशांत भैया का उद्देश्य ये था इन स्कूलों के पीछे कि गरीबों के, मजदूरों के बच्चे या तो मजदूरी करेंगे या अपने पेरेंट्स के साथ वही धंधे करेंगे या फिर कहीं क्राइम ना करने लगे, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कल से फिर इन बच्चों में से कोई प्रोफेसर कलाम बनेगा, फिर कोई सुनीता विलियम्स बनेगी, फिर कोई देश के विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करेगा। ये इसके पीछे उद्देश्य था। तकरीबन 500 से अधिक बच्चों को संस्थान निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर रही है, बुक्स दे रही है, उनको एजुकेशन की मुख्य धारा से जोड़ रही है ताकि समाज का हिस्सा बन सके। ये संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में मेवाड़ की पावन धरा पर है। उदयपुर जाना जाता है अपनी झीलों के लिए, लेकिन अब सेवा के लिए भी उदयपुर को जाना जाता है, जहां महाराणा प्रताप का त्याग है, जहां पन्नादाई का बलिदान है, जहां की वादियों में सेवा है, समर्पण है। संस्थान के चेयरमैन पद्मश्री कैलाश जी मानव साहब को सम्मानित किया गया उनके सेवा कार्यों के लिए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से उन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ, तो महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उन्हें राष्ट्रीय गौरव का पुरस्कार मिला। आदरणीय सेवक प्रशांत भैया जी को श्री श्री द्वारा SR जिंदल अवार्ड मिला, तो पूज्य श्री कैलाश जी मानव को महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा सम्मानित किया गया। संस्थान ने सम्मान के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं ने, सरकार ने, प्रशासन ने संस्थान को सम्मानित किया संस्थान के सेवा कार्यों के लिए, ताकि संस्थान को प्रोत्साहन मिले, हिम्मत मिले, हौसला मिले और संस्थान दिव्यांगों की निरंतर लगातार सेवा कर सके। बताना चाहूँगा कि आदरणीय श्री कैलाश जी मानव साहब, जो कि निर्वाणी पीठाधीश्वर भी हैं, वो नीति आयोग के सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी हैं, और इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान तकरीबन 7 देशों में भी रजिस्टर्ड है, जहाँ से लोग जुड़ते हैं, और हिंदुस्तान के इन प्यारे प्यारे दिव्यांगों के लिए विश्व से जो आते हैं उनकी मदद के लिए संस्था निरंतर आगे रहती है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि निःशुल्क दी जा रही हैं। ऑपरेशन के बाद दिव्यांगों को बाहर से दवाई नहीं लानी होती है, उसके लिए संस्था ने अपना मेडिकल स्टोर बनाया है, जहीं से उनको सारी विभिन्न प्रकार की मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं। इनिशियल मेडिसिन जो होती हैं, जो उनको डे टू डे में काम आती है, यहाँ से उनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और सारी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको बाहर का बिल्कुल भी खर्चा नहीं हो। ऑपरेशन हो, भोजन हो, दवाई हो, सब कुछ उन्हें यहाँ आसानी से मिल सके। ये एक और वार्ड बनाया गया है, यहाँ पे हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रख रहे हैं, फिर चाहे वो 2 गज की दूरी हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, चाहे मास्क का प्रयोग हो, सरकार की गाइडलाइन का पूरी पालना की जा रही है। और ये इस संस्थान का उद्घाटन कब हुआ है? यहाँ सेवा शिविर में जी, हाँ जी, कल ही इसका सर्जिकल शिविर का उद्घाटन हुआ, कल दोपहर 4 बजे हुआ था। अच्छा, इस बार कुछ टारगेट एक मान के चलते हैं आप लोग कि इतना लगभग इतनी सेवाएं करनी है, जैसे कि हरिद्वार कुंभ मेला चल रहा है, तो इस दौरान कुछ टारगेट सेट किया जाता है या जितने लोग आ जाते हैं कुछ ऐसा? एग्जैक्ट हमने कोई स्पेशल टारगेट तो डिसाइड नहीं किया है, परंतु फिर भी हमारा लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें जितने यहाँ आएंगे। हमारे पास वैसे 30 बेड की कैपेसिटी है जी जी। तो उससे अधिक हमें एक बार में ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, परंतु फिर भी 28 तारीख तक जो ऑपरेशन होते जाएंगे, डिस्चार्ज होते जाएंगे, कईयों को कृत्रिमंग देना है तो हम 1 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, तो इसका कोई सेवा का कोई टारगेट नहीं है। फिर वो चाहे हम 300 ऑपरेशन करें, चाहे 500 ऑपरेशन करें, लेकिन हाँ, हमारा एक लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को, 400-500 लोगों का ऑपरेशन हम कर सकें यहाँ पे मिनिमम कम से कम, और अधिक से अधिक लोगों को कृत्रिमंग बना के दे सके जितना हम सहयोग कर पाए 1 महीने में। तो सर, अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहता है और जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी सर्विस है यहाँ पर अगर लेना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जब भी कोई सर यहाँ आता है तो उन्हें यहाँ पे हम हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि आप मास्क रखें, उनके कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट देखी जाती है। उसके बाद यहाँ हमारा OPD काउंटर है, OPD काउंटर पे उनको जो है, अगर मास्क नहीं है तो हम मास्क प्रोवाइड भी कर देते हैं कि आप मास्क यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, उन्हें मास्क देते हैं, और OPD के बाद उनको फिर आगे डॉक्टर्स के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर सर उनको चेक करते हैं,
ये ओपीडी कक्ष है, यहाँ डॉक्टर साहब उनको चेक करते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि उनका ऑपरेशन कब है, या ऑपरेशन पहले फिजियोथेरेपी होगा या उन्हें कोई उपकरण वितरण दिया जाएगा। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ हमारा नर्सिंग स्टाफ है और यहाँ अंदर ऑपरेशन थिएटर हमने बनाया पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरी सुरक्षा की दृष्टि से। अंदर डॉक्टर साहब जो है ओटी में होते हैं, वहाँ ऑपरेशन करते हैं। इसका आज ही ऑपरेशन हुआ है, इस बच्चे का आज ही ऑपरेशन हुआ है। कहाँ से है सर आप? जी कहाँ से हैं? जगदीशपुर से, हरिद्वार से। जगदीशपुर हरिद्वार से हैं आप? कितने साल का बच्चा? ये 6 साल 2 महीने का है। बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे का पैर में जो है दिक्कत थी, पैर में मुड़ा हुआ था। तो ये जन्म से थे? जन्म से था। अच्छा, कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? हमें उसमें एड उठाया जाता था जी, टीवी के अंदर एड उठाया जाता था। अच्छा अच्छा। हमारे को जाना नहीं हुआ उदयपुर के लिए, कि हमें पता था कि 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद कुंभ लगता है यहाँ पर, वो 12 साल के बाद ये उदयपुर वाले यहाँ पर मेरी सेवा करते हैं। आपको ये पता था कि 12 साल बाद ये हरिद्वार में कुंभ मेला लग रहा है, तो यहाँ नारायण सेवा संस्थान यहाँ पर अपनी सेवाएं देगा, तो इसका आप इंतजार भी कर रहे थे क्योंकि आप उदयपुर नहीं जा सकते थे? जाने का वो ही नहीं था सर। अच्छा। हाँ जी, हम गाड़ी चलाते हैं सर। हाँ जी। तो बच्चे का ऑपरेशन आज ही हुआ है? आज ही हुआ। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस ठीक है, बढ़िया है ना। अच्छी। क्या नाम है बच्चे का? उसका आंसू है। आंसू? हाँ जी। आंसू के आंसू आप मिट जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत जल्द आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, 6 साल का बच्चा, आंसू नाम है इसका, और ये देख सकते हैं इसका अभी ऑपरेशन हुआ है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी आपको किसी भी तरह से खर्च नहीं करना है। नारायण सेवा संस्थान में जो हमारी टीम है, वो जो ऑपरेशन करती है वो ब्लडलेस सर्जरी होती है, उसमें ब्लड नहीं आता है, और किसी ऑपरेशन में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, किसी ऑपरेशन में कई बार हाथ पैर की कंडीशन ऐसी होती है कि एक से ज़्यादा बार ऑपरेट करना पड़ता है। जब हाथ पैरों में कैंची लगी हो, अंदर की तरफ मुड़े हों, पंजे उठे हुए हों, तो वो जटिल प्रक्रियाएं होती है, एक चैलेंज होता है संस्थान के लिए जो कहीं नहीं हो पाता। संस्थान की टीम वो कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को चला सके, एक बेहतर, आरामदायक, सुखी, समृद्ध और सुकून भरा जीवन उन्हें दे सके। संस्थान की एक थीम है सर्व धर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम्। हर धर्म का व्यक्ति, हर मजहब का व्यक्ति यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ संस्थान का कहना है कि जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, इन्हीं में खुदा है, इन्हीं में राम है, इन्हीं में अली है, इन्हीं में मौला है, इन्हीं में महावीर है। दुनिया भर के लोग यहाँ आशीर्वाद देने आते हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी एक दिन जब उदयपुर पधारे, नारायण सेवा संस्थान में बच्चों के साथ मिलने आए, संस्थान को आशीर्वाद दिया। संस्थान में हर, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, कोई भी उनकी सोच और विचारधारा हो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक विचार है, सेवा का, प्यार का, करुणा का। पूज्य कैलाश जी मानव कहते हैं कि पहुंच लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट लो, मूल मंत्र है जिंदगी का, प्यार दो और प्यार लो। जैसा कि मैंने बताया था, संस्थान उन्हें सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बनाती है, पैरों पे खड़ा करती है। जब उसका ऑपरेशन हो गया, रोजगार मिल गया, अब वो क्या करेगा? एक उम्र होती है जब हाथ पीले होते हैं, मेहंदी लगती है, कुमकुम लगती है और विवाह होता है। संस्थान अभी तक तकरीबन 3200 से अधिक दिव्यांग भाई बहनों का, गरीबों का विवाह करवा चुकी है, उसकी एक झलक हाल ही में जनवरी माह में भी संस्था ने दिव्यांग विवाह कराया, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए। साल भर में कभी 51 जोड़े, कभी 61 जोड़े की शादी करवाती है। वो बेटियां जो शादी करना चाहती, कोई आएगा सपनों का राजकुमार, लेकिन आ नहीं पाता है क्योंकि वो दिव्यांग है। वो व्यक्ति जिसका जीवन सेट हो गया लेकिन जीवन संगनी नहीं है, कभी दोनों मिलते हैं, कभी दोनों दिव्यांग, कभी एक दिव्यांग तो हाथ थामते हैं, एक दूसरे की तकलीफों को कम करते हैं, और नारायण सेवा संस्थान उनको पूरा घर गृहस्थी बसाने का सम्मान देती है। विवाह करवाने के लिए सबसे मेन थीम होती है कि उनका कन्या का मान कौन बढ़ाएगा। हम कन्यादान नहीं करते, कन्या का मान। तो बहुत सारे डोनर्स होते हैं जो कि वहां आके धर्म के माता पिता बनते हैं। कोई 51,000 देता है, कोई 21,000, कोई 11,000, जिसकी जैसी इच्छा हो। कोई बिछिया देता है, कोई साड़ियां देता है, कोई घर के सामान देता है, और इन प्यारे प्यारे दिव्यांगों का घर बसता है। ये भी नारायण सेवा संस्थान का एक स्वरूप है। तो दोस्तों यहाँ पर नारायण जो सेवा संस्थान है उसकी टीम पूरी यहाँ पर खड़ी है, आप इनको देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं, और इन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसी अगर सेवाएं समाज की ओर, या ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही सेवाएं देते रहें, तो हमारे देश की जो भी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी समस्याएं हल हो सकती है। तो आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत
धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जो आपका स्लोगन है उसको ज़रूर बताएं ताकि जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको आपके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। सेवा करेंगे समाज की, प्रेम करेंगे परमात्मा से, त्याग करेंगे स्वयं का, विकलांग भी अब दौड़ेगा अपनी लाठी छोड़ेगा, सब धर्मों की एक ही बात, प्यार बढ़ाओ सबके साथ, सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहिए मेरे भाई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हरिद्वार कुंभ मेले में नारायण सेवा संस्थान का जो कैंप लगा है उसका एड्रेस क्या है। तो उसका सारा एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो नारायण सेवा संस्थान का जो मेन ब्रांच है वो उदयपुर में है, उसका भी एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और जो भी इस संस्थान से सेवाएं लेना चाहता है वो एक बार विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद को इस संस्थान के बारे में जानकारी मिल सके ताकि वो अपना बेहतर इलाज करा सके। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए, हरिद्वार कुंभ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।